दोस्तों, आई होप यू ऑल आर बीइंग ग्रेट. और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो आज एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो बाल गणेश जी के ऊपर होने वाली है. और ये वीडियो होने वाली है गणेश फैंस द महाभारता. सो इस वीडियो को आज हम देखने वाले हैं. सो गणेश जी के बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनके बारे में जितना भी जाना चाहे उतना ही कम है. सो नॉलेज गेन करने के लिए हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे. सो ये एक वीडियो है जिसको हम देखेंगे, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा. सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. ओम ब्रह्म देवाय नमः. ओम ब्रह्म देवाय नमः. ओम ब्रह्म देवाय नमः. आंखें खोलिए मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं आप? प्रणाम ब्रह्मदेव. क्षमा करें, आपको यहां आने का कष्ट दिया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं. कोई बात नहीं मुनिवर, आप बेझिझक अपनी बात कहिए. मैंने एक बहुत बड़े ग्रंथ को कविताओं और छंदों में लिखने की तैयारी की है, लेकिन मुझे उसको लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान इंसान की जरूरत है जो मेरी सोचने और बोलने की गति से बिना रुके उसे लिख सके. क्योंकि अगर मैं बीच में रुक गया तो मैं छंद भूल जाऊंगा और ये ग्रंथ कभी पूरा नहीं हो पाएगा. आप कैलाश पर जाइए और भगवान शिव शंकर से मिलिए, वो ही इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं. जैसी आपकी आज्ञा प्रभु. तथास्तु. व्यास यहां? भोलेनाथ की जय हो. माता पार्वती को भी शत शत प्रणाम. आपका कल्याण हो मुनिवर. भगवान, हमें अपनी दिव्य दृष्टि से आपके यहां आने का कारण मालूम हो गया है. चिंता मत, हमको पहले ही पता चल गया है. आपकी समस्या का हल है हमारे पास. गणेश. बालक गणेश? हाँ मुनिवर, हमारा बाल गणेश. नंदी, जाओ बालक गणेश को बुला कर लाओ. जो आज्ञा भोलेनाथ. चंकू उल्टे उल्टे नजर आ रहे हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा. जी, क्या कर रहे हो? प्रभु, काफी मुश्किल शब्द है, लेकिन फिर भी पढ़कर ही दम लूंगा. आखिर दुनिया के सबसे बुद्धिमान भगवान का वाहन जो हूँ, अब तो ये मोदक भी ये शब्द पढ़ने के बाद ही खाऊंगा. तब तो लगता है तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा मेरे बुद्धिमान मूषक. ठीक है, अभी पढ़ता हूँ. अरे बुद्धू, तू सीधा अक्षर ढंग से नहीं पढ़ सकता तो उल्टा क्या पड़ेगा. अब पढ़ो. रहने दीजिए प्रभु, पहले मोदक खाता हूँ फिर पढ़ लूंगा. यानी कोशिश करूंगा, क्योंकि सीधा होने के बाद तो ये और भी कठिन लग रहा है. सीधा होने के बाद और भी कठिन लग रहा है. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा. ये पढ़ो, माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम. माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम. ये ठीक है, अब तुम ऐसे ही पढ़ते. प्रणाम गणेश. कैसे हो मूषकराज? अच्छा हूँ. अरे नंदी, तुम भी क्या मूषक की तरह कुछ पढ़ने आए हो? नहीं नहीं बालक गणेश, पढ़ने का काम मूषकराज पर ही छोड़ देते हैं. मैं तो ये कहने आया था कि भोलेनाथ ने आपको अभी बुलाया है.
पिताजी ने बुलाया है, चलो। छन को ये बहुत ज्यादा पसंद है ना खाने में। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। मुनीवर आप यहाँ? बेटा गणेश, मुनीवर एक काव्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक बुद्धिमान और तेज गति से लिखने वाले की जरूरत है, और तुमसे बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। चले मुनीवर। चलिए। प्रणाम। मुनीवर जी, ग्रंथ तो मैं आपका लिख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त हो सकती है? आप बिना रुके मेरे लिखने की गति से बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप जरा सांस लेने के लिए भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है गौरी नंदन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो भी छंद बोलूंगा उसका मतलब समझने के बाद ही आप उसे लिखेंगे। समझने के बाद? इसी बहाने जब मैं सांस ही ले लूंगा तो मैं गणेश जी को कोई मुश्किल छंद दे दूंगा, जिसका मतलब समझने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और तब मैं सांस लेकर आराम कर लूंगा। मुझे स्वीकार है। सोच क्या रहे हैं मुनीवर, शुरू करें? शुरू करते हैं बाल गणेश। अच्छा, वो खुद ही समझ जाएंगे सारी चीजों को। टूट गई मूषक। हाँ प्रभु, ये लीजिए। गणेश, बेटा गणेश, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी प्रभु, आखिर ये ग्रंथ पूरा हुआ। गणपति बप्पा।
मुनिवर, ग्रंथ पूरा हो गया। गणेश जी, ये ग्रंथ आपकी बुद्धिमानी, लगन और त्याग से ही पूरा हो पाया है। आपके सिवा पूरे विश्व में ऐसा और कोई नहीं जो इसे पूरा कर पाता। धन्यवाद गणेश जी। गणपति बप्पा। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो थी गणेश जी की। गणेश जी की लाइक सीरियसली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अपना दांत तोड़कर उससे जो है वो कलम के तौर पर उससे लिखेंगे ग्रंथ। ये वीडियो लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। एक नया पार्ट हमें जानने को मिला गणेश जी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एंड जैसे कि आप जानते हो कि इस वीडियो में हमें जानने को मिला कि जो है महाभारत जो है उसको, क्योंकि इसमें महाभारत ही लिखी हुई है, तो ये ग्रंथ आई थिंक महाभारत से ही था, महाभारत को ही लिख रहे थे शायद। अगर मैं इसको कुछ गलत कर रही हूँ तो आप उसको राइट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। एनीवेज उस महाभारत को जो इन्होंने पेन से लिखा है, उसको जो है वो गणेश जी जो है उन्होंने अपने दांत से भी लिखा है। मतलब बार बार कलम टूट रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दांत को ही पकड़ के उससे से लिखना स्टार्ट कर दिया। बाकी काफी अच्छी वीडियो थी। एक इसमें आइडिया हुआ कि वो कितना सच्चे दिल से काम कर रहे थे और कितना ऑनेस्टी से काम कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने इतनी कम टाइम में इतना जल्दी सब कुछ कर दिया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सब कोई भी बंदा नहीं मिला, सबसे मेन गणेश जी ही उनकी नजरों में आए, बिकॉज गणेश जी से ज्यादा बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता था। एंड इससे आइडिया होता है कि गणेश जी एक अच्छे टीचर भी थे, वो जैसे कि उनको पढ़ा भी रहे थे, वो लड्डू खा रहे थे साथ में पढ़ा रहे थे। खैर, लड्डू मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा पसंद थे, और मतलब मेवा वगैरह टाइप कुछ। एनीवेज जिस तरह से उनकी ये चुलबुली सी नटखट सी हरकतें हमें देखने को मिलती हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। और मतलब उनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और जिस तरह से वो उनका मासूमियत बहुत प्यारी लगती है। मतलब इसको देख के ना मुझे पता नहीं चला कब 10 मिनट हमारे हो गए, क्योंकि ये 10 मिनट इतना मैंने इंजॉय किया इस वीडियो को। इवन तो ये बहुत सिंपल सी वीडियो थी, लेकिन ये वीडियो में कुछ अट्रैक्शन थी जो कि मैंने इसको फील किया। एनीवेज गाइस, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सांस लिया होगा, बिकॉज मौका ही नहीं मिला होगा गणेश जी ने, इतना तो जल्दी जल्दी लिख रहे थे, और उनको इतनी सुदबुद्ध तो है कि वो ऐसी कोई चीज आने ही नहीं देते। ओवरऑल देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छी थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मजा आया। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आपके पास कोई अच्छी वीडियोस हो जो आप मुझे सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। एंड यस, लास्ट में मैं कहूंगी वो उनके जो जिनको वो पढ़ा रहे थे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो जो है वो मतलब उल्टा पढ़ रहे थे, तो उल्टा पढ़ रहे थे तो उल्टा तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन सीधा करने से तो और मुश्किल उनको लग रहा था। तो खैर, ये मतलब फनी पार्ट भी था, मजा आ रहा था इसमें, मुझे हंसी भी बहुत आई थी कि देखो वो उल्टा पढ़ रहे हैं, लेकिन सीधा करने पर भी उनको और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है उनको पढ़ने में, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये वाला था। एंड वो दांत तोड़ने वाला मैं शॉक्ड हो गई थी, वो शॉकिंग पार्ट था कि दांत से उन्होंने लिखा है, ये मुझे रियलिटी आज तक नहीं पता थी, टू बी ऑनेस्टली। सो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएगा, इस वीडियो में कितनी रियलिटी है वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के लिंक आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो उस पर हम रिएक्शन जरूर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।